नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 131, डैनियल, फ्रांसिस एंड जॉर्जर, बट समथिंग लाइक दैट, ग्रेगोर। अब देखो, अमेंडा एबीसी हैव बीन इन पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन विद बेसिस पीरियड है। तो इस क्वेश्चन से हमारे पास द फेवरेट टॉपिक ऑफ मेनी स्टूडेंट्स बेसिस पीरियड इंशाल्लाह थोड़ा हद रिवाइज हो रहा है। तो देखिएगा, ए पार्ट मैंने अभी इसका पेस्ट किया है, फिर बी पार्ट भी है, फिर सी पार्ट भी है, पूरा 15 मार्क्स है। ठीक है, चलो भाई, तीन बंदे पार्टनरशिप में हैं, कब शुरू किया बिजनेस, 2016 में, प्रिपेयरिंग अकाउंट 31 अक्टूबर तक। डैनियल ज्वाइन द पार्टनरशिप ऑन 1 मई 2022। अब मुझे एक बात बताइए, इसको इसी तरह से करोगे ना तो आसान हो जाएगा। जो पहला ईयर एंड है ना, ये जो पहला ईयर एंड नजर आ रहा है, इसमें कितने लोग थे हमारे पास, दो के तीन। ये जो पहला अक्टूबर वाला ईयर, देखो डैनियल ने कब ज्वाइन किया, मई 22, विच मींस पहले ईयर एंड में मेरे पास इस प्रॉफिट में कितने लोग हिस्सेदार हैं, सिर्फ ए, बी और सी, तीन लोगों का हिस्सा है। डैनियल वॉज नॉट देयर, राइट। फिर हम आगे बढ़ें, फिर कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा है, अक्टूबर 22 है, राइट, अक्टूबर 22, इसमें कितने हिस्सेदार हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी तशरीफ ले आया है। और जब इस ईयर में चार हो गए हैं तो ऑब्वियसली अगले वाले में भी कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4। यहां तो कोई मसला है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ईयर में कितने लोग हैं, करेक्ट और रॉन्ग। अब रिक्वायरमेंट को आंखें खोल के सुकून से ध्यान से पढ़ो, मांगा गया कौन से टैक्स ईयर का मांगा है, 22-23 के लिए कौन सा ईयर एंड रेलेवेंट है, 22-23 में कौन सा ईयर एंड फॉल करता है, उसी ईयर के लिए काम करोगे ना, बाकी सारे सालों के लिए तो काम नहीं करते फिरोगे, करेक्ट और रॉन्ग। और सिर्फ किसके लिए पूछा है, सिर्फ डैनियल, डैनियल ने फर्म ज्वाइन की है भाई, डैनियल ने क्या किया, फर्म को ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है बोले तो ये उसका फर्स्ट ईयर होगा। और फर्स्ट ईयर की वर्किंग याद करो, बचपन में पढ़ी थी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ डैनियल, ये डेट है कि 1 मई 22 को डैनियल ने ज्वाइन किया, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट से कहां तक जाना है, कहां तक, वेरी फर्स्ट 5th अप्रैल, जो कि कहां पड़ रही है, 2023 में पड़ रही है, यहां तक जाना है। और अमाउंट की वर्किंग कैसे कराई थी, और ये टैक्स ईयर कौन सा है, तो सर टैक्स ईयर तो 22-23 है, अमाउंट में सर थोड़ा सा गड़बड़ है, कैसे देखो ध्यान से, इधर उधर, इधर उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हाँ बेटा देखो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कैसे सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो कोई मसला नहीं, उनके लिए हम करके देंगे। 31 अक्टूबर 22 शुरू कब होगा, नवंबर 21, और फिर 1 नवंबर 22 कहां तक जाएगा, डैनियल साहब ने कब ज्वाइन किया, इधर कहीं है ना, इधर ही है पक्का, कितने मंथ्स, 6 मंथ्स, पक्की बात है। अब ध्यान से देखो, ये पीरियड का प्रॉफिट 96 है, क्या पूरा डैनियल का है, किसकी शादी है, डैनियल की शादी थोड़ी है कि पूरा प्रॉफिट देंगे, कितने लोग हैं, चार लोग हैं, चार पार्टनर्स हैं, तो डैनियल का हिस्सा इक्वल शेयर है, ये अच्छी बात है, 24,000 इज द डैनियल का हिस्सा। और अब ये 24 भी पूरा थोड़ी डैनियल को मिल जाएगा, सिर्फ 6 बाई 12 होगा, तो चाचा डैनियल 12,001 लेंगे, और बाकी कहां से लेंगे,
इधर कितने महीने होते हैं, यानी 12,000 ये आ गया, बाकी 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 कितने, 6 महीने हुए ना, ये पूरा साल है बन रहा है, ये बेसिस पीरियड कितने महीने का बन रहा है, देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बाकी कितने महीने लेगा पड़ोस में से, सोचो जरा कितने महीने लेगा। चलो मैं इसको आसान करूं, 180 लिखो, चार पार्टनर्स हैं सर, तो डेनियल का एक अदद हिस्सा आएगा, कितना आएगा, कितना, वेरी गुड वेरी गुड, कितना आएगा, 45। तो पूरे साल का है ना। ए पाकिस्तानियों, मजीद कितने मंथ्स लेने हैं, यहाँ 6 नहीं लेने की गलती कर देना। कैसे सर, आपको कैसे पता चला 5? तो बेटा ये गिन दो ना उंगलियों पे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड, यानी आपका बेसिस पीरियड कितने मंथ्स का बना है, दिस इज 11 मंथ्स, बेसिस पीरियड इज ऑफ 11 मंथ्स, ये 12,000 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, 6 तो बाकी कितने, 5 ना, कितना आया, 18750, सुभानअल्लाह, आंसर इज, ओवरलैप प्रॉफिट मांगा नहीं है, तो डेट हुशियारी करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इट। कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स, बेसिस पीरियड अलोंग विद पार्टनरशिप, तो ये हमने इसका पहला पार्ट खत्म किया। ओवरलैप कैसे निकालते, तो फिर आप इसको ईयर एंड को पूरी वर्किंग करके करने पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो बनता है उसका वो निकालोगे, और फिर ये बेसिस पीरियड निकालो, निकला हुआ है सर, ये तो हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं, आइए चलते हैं, किधर है बी पार्ट। ए पार्ट में किसी को कोई तकलीफ, थोड़ा बहुत याद आया होगा कि हाँ सर ने ऐसा ही कुछ हमें जमाने कदीम में पढ़ाया था, स्पेशली आयशा जो आज मौजूद ही नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर पार्टनरशिप पे एक सवाल जरूर कराना, तो मैंने करवाया है, लेकिन वो खुद गायब है। चलो खैर, अब एक और छोटा सा सिनेरियो इसी क्वेश्चन का, 3 मार्क्स के लिए है। क्या कहता है फ्रेंसिस, ये क्या है, टैक्सेबल बेनिफिट्स है सर, एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, तो हाँ आ गई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एग्जामिनर के पास बहुत चॉइस है पेपर देने की, कुछ भी कहीं से उठा के देता है। क्या है, एम्प्लॉयड बाय एफपीएलसी 1 अगस्त 2022 को जॉब शुरू हुई है, लोन दिया है घर खरीदने के लिए, अक्टूबर में लोन जो है वो मजीद बढ़ाया है घर को रेनोवेट करने के लिए, इंटरेस्ट कंपनी ले रही है 1.5%, ये बेनिफिशियल लोन पे सर 3 मार्क दे रहा है, वाह वाह। तो हमने कैसे सीखा था बेनिफिशियल लोन, एक बंदे ने आपको जब पढ़ाया था तो उसने ये कहा था कि बेटा टाइमलाइन बनाए बगैर काम नहीं करना, लेकिन फिर भी कौम होशियार ज्यादा है, ठीक है, नहीं बनाती है टाइमलाइन, या बनाती है पता नहीं। टाइमलाइन बनाई, कर्जा कब मिला, बीच में, 1 अगस्त 22, कितना था लोन सर, ये क्या हरकत है, व्हाट द ABCDEF इज दैट। अभी करते हैं बेटा, करते हैं, सब्र करो। चौदह हजार का लोन बढ़ गया, कब बढ़ा, अक्टूबर 22 में, लोन 14,000 से बढ़ के हो कितना गया होगा बताना, 110। ये सीन है, क्वेश्चन में एक लावर्ड लिखा हुआ है कि बेटा स्टिक मेथड नहीं चाहिए, 3 मार्क्स एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कैसे होता है, लोन एट स्टार्ट, ये हराम चीजें हैं, हम रेड कलर से ही लिखेंगे, डेंजरस थिंग्स, इंटरेस्ट है इसमें, तो हमारे पास एवरेज है 96 शुरू में था और आखिरी में बढ़ के 110 हो गया, और हम कैसे करते थे कि अगर ये बैंक से लेता तो कितने परसेंट में मिलता, लेकिन सर
सर ये लोन थ्रू आउट नहीं है, ये लोन साल के बीच में है, अगस्त से आखिरी तक है, तो कितने महीने हुए? इज दिस परसेंटेज इज फॉर द होल ईयर, तो हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। सर एक और था, डिवाइड बाय 2 भी तो होगा। डिवाइड बाय टू किया तो है, ओ लिखा नहीं है, ओके एवरेज है ना, एवरेज लोन निकाला 2% फॉर द ईयर था, मंथ्स कम है, तो मैंने 8/12 क्या आंसर आया, 13। और फिर क्या करते थे, लेस हराम पे, राइट, टाइमलाइन बनी होती है तो बड़ा आसानी से होता है, हराम पेमेंट, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितनी हराम पेमेंट है? तो सर 96,000 का लोन था, 1.5% लिखा हुआ है, डेढ़, इंटरेस्ट फ्री नहीं है, कितने महीने तक, इधर से इधर तक कितने होते हैं, टक 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 टक, अगस्त सितंबर अक्टूबर की पहली है, नहीं लेंगे, और फिर लोन कम नहीं हुआ है, लोन बढ़ गया है, हराम भी ज्यादा देना पड़ेगा इसको, टू मच हराम हराम। अब ये कितना है बाबा, टिंग 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 टिंग, 14 क्या, क्यों, फुल अमाउंट ऑफ लोन पे इंटरेस्ट होता है, क्या 96 पे इंटरेस्ट लेना माफ कर देगा? आप अगर यूं करना है ना, तो आप 96 पे 8 मंथ्स का करोगे और फिर 14 पे एक्स वो करोगे, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम यूं कर रहे हैं मैथ्स, क्या आएगा, कितने मंथ्स हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दोनों का ये 240 और एड अप, यकीन नहीं आता बच्चों को कि 3 माह का बेनिफिशियल लोन भी हमसे पूछ सकता है, 308, दैट्स इट। पार्टनरशिप का सवाल है, बेसिस पीरियड से खेला, बी पार्ट में एक बेनिफिट को घुमा के लेके आया और आपसे पूछा, और सी पार्ट में ट्रेडिंग लॉसेस को डाल दिया, सही जादू, तीन तीन 6 मार्क्स हो गए हैं, कितने मार्क्स बचे हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है, चार चार मार्क्स के लिए लॉसेस आएंगे अब आपकी स्क्रीन पे। अब ये प्रश्न था 10 मार्क का, ऐसा सवाल आया, दुआ करें आप, कल शबे बारात है, बड़ी रात है, दुआएं करें, पहले सर के लिए दुआ करें, फिर खुद के लिए करें, ज्यादा फायदा होगा। जी कल शबे बारात है, संडे के बाद, मगरिब के बाद, चलो भाई इसके बाद है, क्या नाम है, ग्रेगोर, उफ हम बोलेंगे मिस्टर जॉर्ज, हमारी मर्जी, हमारा सवाल हमारी मर्जी, ठीक है, क्या कहता है भाई, 4 मार्क्स के लिए ये किया है, सर ये कैसा सवाल है, इसको देख के लग रहा है कि लॉसेस का सवाल है, ठीक है भाई, कितना लॉस हुआ है, ये चाहता है रिलीव करना, यानी खेलना इस लॉस के साथ, आइए मिलके खेलते हैं, लॉस कब हुआ है, क्या लिखा है, एज अर्ली एज पॉसिबल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये लाइन जब लिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि लॉस मामू भी बनाओ, और वैसे भी हमने कह दिया आपको कि लॉस मेमोरेंडम मस्ट है, हम लाजमी बनाएंगे, आइए खेलते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, लॉस हुआ है 22-23 में, पिछला है 21-22, ट्रेडिंग प्रॉफिट डेटा में फिल करता हूँ, जरा देखना कुछ गलत नंबर लिख दो तो बता देना भाई, प्रॉपर्टी इनकम, ये प्रॉपर्टी में लॉस है, हराम, तौबा तौबा तौबा, वल्लाही हराम, इंटरेस्ट चार्जेबल गेन अलग से दिखाना है, इंडिविजुअल है, कंपनी में आसान है सर, कंपनी में गेन हो कुछ भी हो सब एक ही जगह पे प्लस होता जाता है, जहां जहां लॉसेस हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है, येलो से ये लॉसेस हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस है, अब देखो जरा खेलते हैं, सबसे पहले इस लॉस को क्या करना चाहिए,
क्या करूं, पहले टोटल करो, पहले उसे टोटल करो, कितना हुआ 20,000। कैसे खेलेंगे, करंट ईयर कैरी बैक, और फिर यहाँ में जगह छोड़ना भूल गया, कैरी फॉरवर्ड 24-25 का, यहाँ खाली उसको बताना है क्योंकि उसका डेटा नहीं है ना, हम बता देंगे। देखो भाई, करंट ईयर से कितना एडजस्ट करोगे? सर आपने बचाया क्यों नहीं? अब रहमीन ये आपका सवाल बनता है यहाँ, और जिन बच्चों का नहीं बनता वो थोड़ा अपने आप को याद करेंगे क्यों सवाल नहीं आ रहा जहन में ऐसा कि सर आपने पर्सनल अलाउंस, यहाँ देखें, यहाँ पर्सनल अलाउंस की वजह से खुद ब खुद ये जीरो हो जाएगा। आप पर्सनल अलाउंस के यहाँ वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप क्यों 900 ले रहे हो? तो बेटा मैं कहूंगा, बेटा सवाल में लिखा है क्या एज अर्ली एज पॉसिबल, पिछला जो सवाल किया ना उसका क्या नाम था, नाम क्या था सवाल का, समंथा फैब्रिक, उसमें लिखा था एज बेनिफिशियल एज यू कैन। तो फिर हमारी मर्जी होती, हम दर्जी होते हैं, मर्जी चलाते हैं, यहाँ पे हम दर्जी नहीं है, यहाँ पे बोला एज अर्ली, एज अर्ली बोले तो करंट कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड, नो ऑप्शन, नो बचत, नो थिंग, पर्सन अलाउंस मरता है तो मरने दो, वो है ना, किसी बच्चे ने बताया नायक मूवी में डायलॉग था, मरते हैं तो मरने दो, थोड़े मरेंगे, थोड़ी दुकानें जलेंगी, फिर चले जाएंगे। तो ये याद रखना है कि एज अर्ली एज पॉसिबल होगा तो इसका मतलब वैसे अलाउंस मरता है तो सानू कोई वादा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एज बेनिफिशियल होगा रहमीन तो फिर क्या होगा, फिर हम अच्छे बच्चों की तरह सेमेंथा फैब्रिक की तरह चलेंगे और लॉसेस को क्या करेंगे, बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम वो चल रहे हैं, पहले ये हुआ, फिर कैरी बैक करो कितना, लॉस बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेटर देखना कोई लॉस ऐसा ना हो कि हम लॉस से ज़्यादा ये एडजस्टमेंट करने शुरू हो जाएं। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये दोनों वेस्ट हो गए, तबाह हो गया पर्सनल अलाउंस, बर्बाद हुआ पर्सनल अलाउंस, लॉस कितना बचा है? अगर मैं 68,800 में से 900 उड़ाऊं और 20,600 भी उड़ा दूं तो कितना बचता है, 47,300। यहां तक कोई तकलीफ है? मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले समंथा वाले क्वेश्चन में भी, जी रहमीन ऐसा ही है, बेनिफिशियल वाले में ही वो करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कैरी फॉरवर्ड करने से पहले सेवेंथ ऑफ फेब्रुअरी जब पढ़ाया था उसे बताया था कि आपने पहले सीजीटी से उड़ाना है, सीजीटी के करंट ईयर से भी कर सकते हैं और कैरी फॉर बैक भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग लॉस 22-23 का लॉस, पहले 22-23 से एडजस्ट होगा, फिर कैरी बैक भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो होगा ही नहीं, कितना एडजस्ट होगा यहाँ से, कितना तो देखो, पहले हमारे पास कैपिटल लॉस है, कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ से यहाँ, कितना था, ये एडजस्ट हुआ, कितना बचा, और फिर आया ट्रेडिंग लॉस, एनुअल एग्जम्पशन वेस्ट, ठीक हो गया, 14,500 एडजस्ट हुआ, कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा जो बचेगा, कितना बचेगा, 32,800 हमें बताना है, इसके भी मार्क्स हैं, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 32,800, क्या हो गया, एज अर्ली एज पॉसिबल था तो पर्सनल अलाउंस वेस्ट होता है तो होने दो, वी डोंट केयर, पहले करंट ईयर से किया, फिर कैरी बैक गए ट्रेडिंग यानी टोटल इनकम से, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, फिर हम गए सीजीटी के पास, सीजीटी के करंट ईयर से भी कर सकते हैं और कैरी बैक भी कर सकते हैं, लेकिन सीजीटी का एडजस्टमेंट कब करते हैं, पहले उसका जो अपना लॉस होता है ना उसको एडजस्ट करके एनुअल एग्जम्पशन माइनस करने से पहले ट्रेडिंग लॉस एडजस्ट किया, और फिर जो लॉस बचा इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। सेवेंथ ऑफ फैब्रिक मोस्ट बेनिफिशियल, ये वाला क्वेश्चन
एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर यहां ये लिखता ना कि इस सवाल को मोस्ट बेनिफिशियल करो, तो पता है क्या होता, मैं 900 को कभी भी माइनस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पर्सन हाउस की वजह से ये खुद ब खुद माइनस हो जाता। 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन हमने किया है, 118 मिनट्स वर अलाउड, तो हमने तो पढ़ के समझ के किया है। तो अगेन बार बार बोल रहा हूँ, रूल्स पे फोकस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रूल्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रूल्स, पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं।